आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो दिए गए चित्र हैं इनमें से बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई आपके सामने है यहाँ पर, बिंदु ई, बिंदु एफ, और यहाँ से आप देखेंगे बिंदु एफ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमारे सामने जितने बिंदु हैं बस हम उन्हीं के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए के बारे में बात करते हैं। तो ए जो है वो किस जगह पर है, देखिए यहाँ से एक्स अक्ष जो वाई एक्स अक्ष जो होता है किसी भी बिंदु का भुज होता है वो वाई अक्ष से दूरी होती है। तो ए बिंदु यहाँ पर है, यानी कि यह एक मात्रक की दूरी पर है वाई अक्ष से, और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तीन, और इसके बाद यहाँ से एक चार, और ये पांच, यानी कि एक कॉमा पांच। ठीक है, तो ये इतनी दूरी पर यानी ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा। इसी तरह से बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये माइनस दो। ठीक है, तो यानी वाई अक्ष से माइनस दो भुज है इसका, और कोटि इसका कितना हो जाएगा, तीन। तो ये ए का निर्देशांक हो गया बी का माइनस दो कॉमा तीन, तीन मीटर यहाँ से तीन मात्रा की दूरी पर है। सी का मान थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो जो सी है वो आपका 2.5 है धनात्मक दिशा में, और वाई के धनात्मक दिशा में तीन है, तो सी का मान ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ से देखिए ये वाई एच पर, वाई एच से माइनस एक मीटर की दूरी पर है, और एक एक्स से एक मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से माइनस एक कॉमा एक हो जाएगा। तो ये इस तरह से टी का मान। ई का मान अगर आप देखें तो ई का मान क्या आ जाएगा, ई का मान अगर आप देखें यहाँ से तो वाई एच से कितनी दूरी पर है, 1.5 पर। ठीक है, और वाई एच पर कितनी दूरी, एक। तो ये इसके निर्देशांक किस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।